चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेष राशि वालों के बारे में कि दिसंबर का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए दिसंबर में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये जानते हैं। देखिए, यदि आपकी प्रचलित नाम से या जन्म राशि से मेष राशि है, दोनों प्रकार से, चाहे प्रचलित नाम आपका मेष राशि में हो और चाहे जन्म राशि आपकी मेष राशि हो, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दिसंबर का महीना आपको काफी लाभ देने वाला है। शनि और चंद्रमा के कारण जीवन में सकारात्मक बदलाव होंगे। देखिए, चंद्रमा तो हर सवा दो दिन पे बदल जाएगा, लेकिन शनि आपके चूंकि एकादश भाव में रहेगा और वो किसी भी व्यक्ति के आमदनी का स्थान होता है, इसलिए उसका वहाँ रहना, त्रिष्ठाय गति पापो जन्मांगो शोभना भवेत, ये एक सकारात्मक बदलाव का संकेत आपको कर रहा है। बृहस्पति का दूसरे भाव में होने से भी आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। ग्रहों की शुभ स्थिति के कारण आपको विदेश में अच्छी नौकरी के अवसर प्राप्त होंगे। नौकरी में आपका पद बढ़ेगा और सफलता भी मिलेगी। आमदनी बढ़ने के प्रबल योग बन रहे हैं, लेकिन एक बात इसके साथ साथ ये भी है कि भाग दौड़ ज्यादा रहेगी। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए, मंगल तो नीच का ही है और मंगल दिसंबर के महीने में बकरी भी होने जा रहा है, इसलिए आपसे ये जरूर हम आग्रह करेंगे कि ओवर कॉन्फिडेंस, अति आत्मविश्वास में लापरवाही न करें, वरना भाग्य अच्छा होता हुआ भी अच्छा फल नहीं दे पाएगा। अति आत्मविश्वास आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। दिसंबर का महीना नौकरी करने वालों के लिए निश्चित रूप से बहुत बढ़िया है। करियर के कारण आपको कई यात्रा करनी पड़ेगी। दिसंबर महीने में मेष राशि के कारोबारियों को सफलता मिलेगी। विरोधियों को आप मात देकर आगे बढ़ सकेंगे, मुनाफा बढ़ेगा, कारोबारी योजनाएं सफल होंगी, नया कारोबार शुरू हो सकता है, आप कारोबार में अपनी छवि बना पाने में सफल होंगे। कारोबार में गलत रास्ता ना पकड़ें, वरना सरकार से हानि संभव है। आयात निर्यात का काम है तो बहुत लाभ मिलेगा और पूरा दिसंबर का महीना आपका जोरदार हो। जहां आप हाथ रखें, जहां आप कदम रखें, वहीं आपको सफलता मिल जाए। तो इसके लिए आपको पूरे दिसंबर महीने में हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए और सुबह शाम यथासंभव हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और हर मंगलवार को हनुमान मंदिर जाकर के दर्शन पूजन करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज का कालचक्र हमारे दर्शकों के लिए बेहद खास है, क्योंकि दिसंबर में आपके कामकाज की स्थिति, अगर आप नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं, तो कैसा रहेगा, और राशि के हिसाब से भी बता रहे हैं, साथ ही हम ये भी बता रहे हैं कि दिसंबर की बात की जाए तो कैसा ग्रह का चाल होगा, क्योंकि उसके हिसाब से भी बहुत चीजें बदलती है। साथ ही पंडित जी आपको उपाय भी बता रहे हैं। तो आज का कालचक्र आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है कि दिसंबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है कामकाज के हिसाब से, तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। और अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों के बारे में कि क्या वृषभ राशि वालों को दिसंबर में प्रमोशन हो पाएगा, क्या इन्हें नौकरी में कोई नया ऑफर मिलेगा, क्या वृषभ राशि वाले कारोबारी दिसंबर में अपना मुनाफा बढ़ा पाएंगे, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए दिसंबर में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सभी जानते हैं। देखिए, जहां तक वृषभ राशि के जातकों का प्रश्न है, चाहे आपकी जन्म राशि वृषभ राशि है, चाहे आपकी प्रचलित नाम की राशि वृषभ राशि है, दोनों तरह से आप देखिएगा, दिसंबर के महीने में आपके दशम भाव में शनि विराजमान रहेंगे। अर्थात दूसरे शब्दों में कहूं तो आपके आजीविका के स्थान में शनि देव की स्थिति रहेगी। शनि आपका भाग्य बढ़ाएंगे, स्वभाव में सकारात्मक परिवर्तन आएगा, नौकरी में स्थिति बेहतर होगी, आप अपने काम से संतुष्ट रहेंगे
और कड़ी मेहनत करके सफलता प्राप्त करेंगे। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपका प्रमोशन हो सकता है। राहु विदेश यात्रा से बहुत लाभ दिला सकता है। आपका करियर नई ऊंचाइयों में पहुंचेगा। आपको कोई नया प्रोजेक्ट या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। 11वें भाव में बुध के होने से आपका फैसला लेने की क्षमता में वृद्धि होगी। आप अपने करियर के लिए कुछ महत्वपूर्ण फैसले ले पाएंगे। राहु के कारण वृषभ राशि के कारोबारियों का मुनाफा बढ़ेगा। लेकिन एक बात बताना चाहूँगा जो बहुत महत्वपूर्ण है, वृषभ राशि में बृहस्पति की स्थिति है और वृषभ राशि से आजीविका भाव का स्वामी शनि है, लेकिन शुक्र शनि का तृतीय एकादश इतिहास इस बात का संकेत है और वृषभ राशि में शुक्र की जब तक स्थिति धनु राशि में है तब तक उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। अर्थात दिसंबर के पहले सप्ताह तक आपके जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। महीने की शुरुआत इसलिए कह रहा हूँ ना, थोड़ा कमजोर है, लेकिन दिसंबर के मध्य लाभ मिलेगा। कोई बड़ी डील हो सकती है, दुकानदार हैं तो बिक्री बढ़ सकती है, कारोबार में अच्छी सफलता मिल सकती है, सभी योजनाएं सफल होंगी। मार्केट में भी आप अपना नाम बनाने में सफल होंगे। आपको कहना ये चाहता हूँ कि अगर आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से कोई ग्रह दशा खराब चल रही है जिसके कारण इन गोचर के अच्छे ग्रहों का फल आपको नहीं मिल पा रहा है और आप थोड़ा सा अपने कारोबार में या कामकाज में परेशानी महसूस कर रहे हैं, तो आप अगर पुरुष हैं तो आपको दुर्गा चालीसा का सुबह शाम, विंध्येश्वरी चालीसा का सुबह शाम पाठ कर लेना चाहिए और हर शुक्रवार को किसी देवी मंदिर में जाकर के एक नारियल, एक लाल फूल की माला और 1.25 पाव बर्फी का भोग लगाना चाहिए। अगर ये उपाय आप सभी शुक्रवार करना शुरू कर दें तो मैं विश्वास के साथ कहता हूँ आपके काम में आने वाली रुकावटें दूर हो जाएंगी। अगर आप महिला हैं और पूजा पाठ में आपका मन लगता है तो आपको पूरे दिसंबर के महीने में सुबह शाम दोनों समय महालक्ष्मी का पूजन करना चाहिए और श्री सूक्तम और कनक धारा स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। इससे आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। जय माँ विंध्यवासिनी। तो देखिए पंडित जी, राशि के हिसाब से बता ही रहे हैं, लेकिन एक मेरे मन में सवाल है पंडित जी, आपने ग्रह गोचर बताया दिसंबर के, लेकिन आम भाषा में कई बार ऐसा सुनने को मिलता है हम लोग कि अच्छा ये साल अच्छा बीतेगा, लेकिन अगर दिसंबर महीने की बात की जाए तो ओवरऑल जैसे मैं अगर भारत देश के लिए समझूं पूरे कैसा रहेगा और आम लोगों के लिए, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं पंडित जी जिन्हें अपनी राशि के बारे में नहीं पता होता है, तो वैसे लोगों के लिए क्या आप बताएंगे दिसंबर महीने में? देखो ऐसा है ना जी कि राशि, जन्म राशि किसी को ना पता हो जी जी, लेकिन प्रचलित राशि तो दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसको ना पता हो। बिल्कुल ठीक है ना जी जी। जैसे आपको हो सकता है आपकी जन्म राशि ना पता हो, लेकिन आपका नाम अंजलि आनंद है तो आपकी मेष राशि बनती है, ये राशि तो आपको पता ही है जी। तो अब जैसे पूरे विश्व पर इसका क्या असर पड़ेगा या हमारे देश पर इसका क्या असर पड़ेगा, तो आजाद भारत की कुंडली जो है वो कर्क राशि की है। अच्छा ठीक है। उसके आधार पर अगर ग्रह गोचर देखा जाए तो भारत में सारी स्थितियां सामान्य रहेंगी, सामान्य रहेंगी। किसी प्रकार की कोई प्राकृतिक आपदा, कोई दैवी आपदा या किसी प्रकार का कोई मतलब कि संकट उत्पन्न नहीं होने वाला है। लेकिन विश्व के दूसरे देशों में, खास करके भारत के पूर्वी देशों में काफी उलझन, अशांति और अस्थिरता का समाचार मिलेगा। इसी तरह से समुद्र पारी देशों में चंद्रमा शुक्र के घर में है, युद्ध जैसी खतरनाक स्थितियां बनी रहेंगी, उसमें कोई कमी नहीं आएगी और अशांति का वातावरण रहेगा जी। पश्चिम के देशों में शांति बनी रहेगी। तो इस तरह से जो पूरा ग्रह गोचर विश्व का है उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि ये अपने देश के लिए दिसंबर का महीना अच्छा ही है, इसमें कोई दो राय
नहीं जी बिल्कुल, क्योंकि मेरे मन में ये दुविधा थी और पंडित जी ने ये क्लियर भी कर दिया। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आगे राशियों के बारे में और जान लेते हैं मिथुन राशि वालों के बारे में कि मिथुन राशि की बात की जाए तो उन्हें दिसंबर महीने में क्या कुछ करना होगा, उनके कारोबार में क्या उन्हें तरक्की मिलेगी, अगर कोई नौकरी करता है तो क्या उन्हें प्रमोशन मिलेगा और किन बातों को लेकर उन्हें सावधान रहना चाहिए, ये सब जानेंगे। देखिए, आपकी प्रचलित नाम या जन्म राशि, प्रचलित नाम के हिसाब से या जन्म राशि के हिसाब से आपकी अगर मिथुन राशि है, मिथुन राशि वालों की एक पहचान बताऊं, वैसे तो आप अगर हमारे कार्यक्रम को पहले से देखते होंगे तो आपको पता होगा, लेकिन अगर आप नए नए जुड़ रहे हैं तो भी आपको बताऊं कि किसी को देखकर आप कैसे अंदाज लगा सकते हैं कि मिथुन राशि का है। पुरुष हो या महिला, उसकी नाक तोते की तरह होगी, जैसे तोते की नाक होती है वैसे नाक होगी मिथुन राशि वालों की, और नाक के ऊपर का चेहरा चौड़ा होगा और नीचे का चेहरा पतला होगा पान के पत्ते की तरह। और मिथुन राशि वालों की दूसरी पहचान है कि इनके स्किन पर स्केच नहीं बन सकती, अगर इनके स्किन को खरोचा जाए तो उस पर निशान नहीं आ सकते, ऐसी इनकी त्वचा होती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ मिथुन राशि के जातकों को कि देखिए, सही बात यह है कि आपके भाग्य भाव में शनिदेव हैं, शनि के कारण दिसंबर महीने में आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ऐसा सभी मिथुन राशि के जातकों के लिए नहीं कह सकता हूं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि बुध की स्थिति आपके छठवें भाव में है और अभी बुध अस्त की स्थिति में है, तो ऐसे में मिथुन राशि के जातकों के लिए, सब लोगों के लिए ये कहना ठीक नहीं होगा कि सबके लिए समय अच्छा रहेगा, लेकिन जो लोग कड़ी मेहनत करेंगे और जो लोग सही डिसीजन लेंगे उनको सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन कुछ मुश्किलों से बाहर निकलने के लिए आपको बृहस्पति की कृपा चाहिए, क्योंकि बृहस्पति आपके बारहवें भाव में गोचर कर रहा है। बृहस्पति इस महीने नौकरी में कुछ बड़े परिवर्तन ला सकते हैं, मिथुन राशि वाले कुछ लोग इस परिवर्तन से असंतुष्ट रहेंगे, ऑफिस पॉलिटिक्स या षड्यंत्र से आपको संभल कर रहना होगा। जो लोग पहले से ही अपनी नौकरी से संतुष्ट नहीं हैं उनकी मुश्किलें बढ़ने की आशंका है। दिसंबर महीने के मध्य में आपको अपने बॉस या मैनेजमेंट से भी चुनौतियां मिलेंगी। दिसंबर का महीना मिथुन राशि के कारोबारियों के लिए अच्छा है, लेकिन बड़े फैसले संभल कर लेने होंगे। मिथुन राशि के जातक जो दुकानदार हैं उनको अच्छा लाभ मिलेगा, कारोबार में कोई बड़ा परिवर्तन किसी से सलाह लेकर के ही आपको करना चाहिए। यदि आपकी मिथुन राशि है और आपको लग रहा है कि आपके जीवन में भी कुछ चुनौतियां हैं, तो मैं दावे के साथ कहता हूं आप अपने घर में दिसंबर के महीने में राम दरबार की पूजा करिए, और राम दरबार की पूजा करने के उपरांत आप राम रक्षा स्त्रोत का सुबह शाम पाठ करिए और प्रभु श्री राम की झांकी अपने हृदय में कुछ मिनट के लिए देखने की कोशिश करिए। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप राम रक्षा स्त्रोत का सुबह शाम पाठ करेंगे, राम दरबार की पूजा करेंगे और पूरे महीने सात्विक तरीके से आप अपने कार्य में लगे रहेंगे, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में आने वाले संकट का समाधान हनुमान जी कर देंगे और आपको सफलता मिलेगी, एकदम पक्की बात समझ लीजिए। जय मां विंध्यवासिनी।